देखिए, जो बयान जो बिहार सरकार का आया है, जो इनके मंत्री जो बयान दे रहे हैं और जो खत केंद्र को लिख रहे हैं, एक साफ तौर पे ये समझ सकते हैं कि ये अपना पलड़ा झाड़ रहे हैं। हमको आश्चर्य हो रहा है कि अभी जो है मॉनसून शुरू हो चुका है। हमने इस केवल पटना राजधानी के देखे कि किस प्रकार से जलजमाव हुआ। हम ये दावे के साथ कहते हैं जो 36 गेट में से जो 18 गेट अपने बिहार में है, 18 गेट जो नेपाल में है, यहाँ काम रुका हुआ है और अभी ये जागे हैं। 15 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, इनकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, और ये मॉनसून जब शुरू हो गया तब ये पत्र लिख रहे हैं। इतने दिनों से ये कर क्या रहे थे ये? और ये भयावह स्थिति आने वाली है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, पूरा उत्तर बिहार में ये खतरा है। ये काम रुका हुआ है और इसमें जो है अपना बिहार सरकार केवल और केवल जो है पलड़ा झाड़ने का काम कर रही है और पूरा भयावह स्थिति होने वाला है। पूरा बिहार, नॉर्थ बिहार, उत्तर बिहार जो है बाढ़ से डूबने का पूरे चांसेस बन गए हैं। और ये देखते हुए समस्या का इन लोगों को निदान करना चाहिए था। किस बात की डबल इंजन की सरकार है? आप एक दूसरे को पत्र लिख रहे हो, यहाँ प्रधानमंत्री आते नहीं हैं जब भी बाढ़ होता है देखने को, कोई जो है रिलीफ फंड नहीं मिल पाता है। अब तक के 2-3 सालों का जो बाढ़ में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई अब तक नहीं की गई है। और अब तो ये काम जो निर्माण आए थे भाई बाढ़ की समस्या को सुलझाने, तो नीतीश कुमार जी ने क्या किया 15 साल में? ये अब क्यों जागरूक, जब मॉनसून हो गया है, जब भारी वर्षा होगी और जब पानी जो है ओवरफ्लो होगा, जो काम बांध का पूरा नहीं हुआ है, तो उत्तर बिहार तो डूबेगा ही डूबेगा। तो ये मंत्री अभी जाग रहे, तो ये पूरी तरीके से इसमें बिहार सरकार, मैं कहता हूँ मंत्री क्या, ये तो नीतीश कुमार अपना पलड़ा झाड़ रहे हैं। ये तो पूरा फेलियर नीतीश कुमार जी का है कि इन्होंने कोई बाढ़ को लेकर के कोई समाधान नहीं किया। और नेपाल से हमारा तो बेटी और रोटी का रिश्ता है, तो ये मामला तो समाधान हो सकता था लेकिन इन्होंने नहीं किया। तो ये जो मामला, इसको समाधान करना चाहिए था। नेपाल से हमारा पुराना रिश्ता है, रोटी बेटी का रिश्ता है, और इनकी केंद्र में सरकार है, बिहार में सरकार है, 15 साल तक मुख्यमंत्री बने, तो अब तक बांध के निर्माण में कभी जो है चूहा खा जाता है, कभी कुछ हो जाता है। और स्पेशली हम लोग जब डिप्टी सीएम थे तो इसके लिए तो बाढ़ के लिए, फ्लड के लिए अलग से इंजीनियरों का ग्रुप बनाया गया, सेल बनाया गया, फ्लड को कंट्रोल करने के लिए, और सिंचाई के लिए अलग। किसान सिंचाई को लेकर के परेशान है, एक तरफ का बिहार सूखा से त्रस्त है और उत्तर बिहार जो है बाढ़ से त्रस्त है, और लेकिन कोई इस क्षेत्र में इरिगेशन के मामले में, बांध के मामले में ये सरकार ने कुछ नहीं किया है। अब कहना यह है कि अब तो बाढ़ एक तरह से एंट्री कर चुका, पानी जो है बहुत हो रही है, कई इलाके में पानी भर भी गए, तो क्या सरकार बहुत लेट से देखिए, कदम उठाई ये है? प्लानिंग तो पहले होती है ना। अब बाढ़ का समय आ गया, मॉनसून है, तो कौन सा निर्माण का काम होगा? कोई काम नहीं होगा। ये काम तो पहले किया जाता है, जब मॉनसून से काफी पहले, जब मॉनसून खत्म होता है उसके बाद से लोग लग जाते हैं इस काम में। तो इस सरकार ने 15 साल तक क्या किया? एक अंतिम सवाल, तेजस्वी जी कैसे देखते हैं कि हमारे देश के हमारे जो पड़ोसी है चाइना को लेकर जिस तरीके से बिहेव रहा है, सैनिक शहीद हो गए, अगर मान लीजिए इन सब चीज को छोड़ भी दिया जाए, तो अगर नेपाल जैसा देश जो हमारा इतना नजदीकी रहा है, एक छोटा सा देश है, अगर वो इस तरीके की हरकत कर रहा है कि बैरिकेटिंग कर दे रहा है, हमारे लोगों को घुसने नहीं दे रहा है, हमारे सामानों को कब्जे में एक तरह से कर लिया है, तो कितना दुखद मानते हैं? नहीं, आप देखिए, जो फॉरेन पॉलिसी जो है, कहीं ना कहीं से एक बार सोचना पड़ेगा। हमने कई बार कहा है कि नेपाल से तो बिहार का बहुत ही पुराना रिश्ता है, हम बार बार कहते रहे रोटी और बेटी का रिश्ता है। अचानक से ऐसा क्या हुआ कि नेपाल जो है इस तरह की हरकतें कर रहा है? हालांकि हम इसमें भारत सरकार को संज्ञान लेकर के आखिर कैसे इस रिश्ते को फिर से बेहतर बनाएं, वो उस पर ध्यान देना चाहिए। तो इसमें देखिए, जहाँ तक निर्माण की बात है या कोई भी बात हो, आपने काम क्या किया, बिहार सरकार ने क्या इनिशिएटिव किया? इतने साल से हम भी हैं, वो लोग भी हैं, सब चीज़ें देख रहे हैं। हमने तो कभी नहीं देखा कि नीतीश कुमार जो हैं, जो इस पूरी तरीके से जो है इनिशिएट कर रहे हैं, या गंभीर हों इस मामले में कि बाढ़ का, बांध का जो है निर्माण जो है
अच्छे तरीके से हो ताकि बाढ़ की समस्या बिहार में बार बार नहीं आती। और नीतीश कुमार जी तो अभी से नहीं जान रहे कि बिहार में बाढ़ की समस्या है, ये तो इस सवाल को उठाते रहे। लेकिन हम लोगों की जब तब सरकार रही तब तो केंद्र में किसी और की सरकार ज्यादा तम रही, लेकिन अब तो डबल इंजन की सरकार है, आप चिट्ठी लिख रहे हैं।